वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू डिवाइड अ पॉलीनोमियल विद अनदर पॉलीनोमियल। ठीक है, देखो इससे पहले हमने क्लास 8 में पॉलीनोमियल्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब सीखा था, पर डिवीजन उस टाइम हमने नहीं देख दिया सीखा। तो अब हम सीखेंगे कि हम एक पॉलीनोमियल को दूसरे पॉलीनोमियल से कैसे डिवाइड करें। जैसे आप नंबर्स को डिवाइड करते हो वैसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है। देखो जैसे देखो फर्स्ट डिवाइड द पॉलीनोमियल बाय दिस। देखो आप जब भी डिवाइड करोगे आप एक चीज़ नोट करते हो, जैसे देखो मेरे को 8 को 4 से डिवाइड करना है, तो मुझे पता है कि 8 4 से बड़ा नंबर है, तो मैं इसको इजीली डिवाइड कर पाऊँगा 2 पर। ठीक है, ये हो जाता है। बट अगर मेरे को मान लीजिए 4 को डिवाइड करना पड़ा 8 से, तो वो भी मैं कर दूँगा। कैसे, मैं डेसीमल लगा लूँगा 0.5, तो ये हो जाएगा। बट पॉलीनोमियल्स में ऐसा नहीं होता। पॉलीनोमियल्स में आप ये ध्यान रखें, जिस पॉलीनोमियल की डिग्री बड़ी होगी, जैसे देखो इसमें डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, तो इसकी डिग्री 4 है और इसकी डिग्री 1 है। तो आप हाईएस्ट पावर या डिग्री जो है जिसकी ज़्यादा होगी उसी को डिवाइड करना होगा आपको दूसरे पॉलीनोमियल से। ठीक है, ये नहीं कि आप इसको इससे डिवाइड कर पाओ, ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये देखेंगे कि किसकी डिग्री ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इसमें तो आपको बड़ी डिग्री वाले से ही पॉलीनोमियल से डिवाइड करना है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो देखो करते हैं, देखो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखो जो आपकी इसकी फर्स्ट टर्म है इस बाइनोमियल में, उस बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म को आप ऐसे पॉलीनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसी अल्जेब्रिक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो यहाँ पर लिखा जाए वो बिल्कुल एज इट इज़ जो ऊपर लिखा है वैसा ही लिखा जाए। देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर 4 है, यानी आपको देखो कि x की कितनी पावर चाहिए ताकि आपकी x की पावर 4 बन जाए, तो x की पावर 3 चाहिए आपको, और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3x की पावर 4। अब ये 3x पावर 3 आपने x से किया तो -1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा -3x पावर 3। अब देखो डिवाइड करते तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस करेंगे तो देखो यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी और ये माइनस है पहले से, तो ये हो जाएगी प्लस, तो कैंसिल। अब देखो आपको साइन जो है ये नीचे वाला समझना है, देखो ये प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, तो -4x³ और +3x³, तो माइनस आ जाएगा x³। और यहाँ पर अगला टर्म उतार ले -3x। अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर x और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो -x² से मल्टीप्लाई करें ताकि x की पावर 3 आ जाए, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो अब आएगा आपके पास x², तो x² आप 3x के नीचे नहीं लिखेंगे, आप अलग से लिखेंगे, तो देखो साइन चेंज करें, प्लस साइन हो गया इसका, तो और ये नीचे वाले का साइन माइनस, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया -x² -3x। ठीक है, अब देखो अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, -1 से, तो इसको -x से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -x² और माइनस माइनस प्लस, अभी x है तो x के नीचे लिखा जा सकता है, साइन चेंज करें प्लस, ये माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -4x, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -4x -1। अब देखो यहाँ पर x और यहाँ पर 4x -1 है, तो देखो -x से -4x बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, -4 से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप -4x और -4 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा +4, अगेन यू साइन चेंज करोगे आप प्लस और ये माइनस, कैंसिल, -1 और -4 -5। अब आगे आप नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 1 है और यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट नंबर आ गया, तो अब आप इसको आप आगे नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए क्या आ गया, दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका क्वोशेंट, ये आपका डिवाइजर और ये आपका डिविडेंड। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपने इससे डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर क्या आया, -5। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग दिस बाई दिस। एक्स क्यूब प्लस वन को एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पर क्या आएगा, ये आपको बताना है, और इस केस में रिमाइंडर बताना है। तो प्लस वन को डिवाइड करते हैं हम एक्स क्यूब प्लस वन से। तो देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वेयर से, ताकि यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब। अब 1 से करोगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा, वो यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस, तो यह आ जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस x से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स प्लस और यहाँ पर प्लस कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन ऊपर और एक्स प्लस वन सेम है, तो वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स प्लस वन, तो कैंस माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर क्या आया आपका, जीरो आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो देखो अगर आपको केवल रिमाइंडर निकालना है तो हमारे पास एक और रिजल्ट होता है, वो होती है रिमाइंडर थ्योरम, आप उसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, और यह आप डिवाइड करके करना चाहे तो डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो देखो मैं बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर आप करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके करते हैं। तो देखो रिमाइंडर थ्योरम में आप क्या करोगे, जिससे आपको डिवाइड करना है उसका जीरो निकालेंगे, x प्लस वन को जीरो के बराबर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। ठीक है, इस माइनस वन को इस पॉलिनोमियल में रख दीजिए, तो माइनस वन कितनी पावर हो गई, थ्री प्लस वन। तो देखो माइनस वन की पावर थ्री, ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा, तो माइनस वन प्लस वन दैट्स जीरो। तो इस केस में हमें रिमाइंडर मिल गया जीरो। तो आपको अगर क्वेश्चन में कहा जाए डिवाइड करना है तो आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, अदरवाइज अगर आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे। रिमाइंडर थ्योरम में हमको क्या करना है, सिंपल सी बात है, जो जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उसका जीरो फाइंड कर लेंगे। जीरो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर रख लेंगे, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू को पिक कर लेंगे, वहाँ से उस वैल्यू को जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है उसमें रख देंगे, उसमें रखने पर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, दैट्स योर रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। ये आपके लिए था अभी, लीनियर पॉलिनोमियल से ही डिवाइड सीखा हमने, अगली वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना सीखेंगे। सो गुड लक।